दोस्तों, मेरे किसी व्यूअर ने कमेंट किया है कि सेवन स्पेड गियर के सर्विसिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये है सेवन स्पेड गियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले हम सेवन स्पेड गियर को जमीन पर रख लेंगे। गियर पर इस प्रकार हम मोटा कपड़ा रख लेंगे, हथौड़ी ले लेंगे और एक इस प्रकार का पिन ले लेंगे। यहाँ फ्लैट चाहिए चपटा, ताकि हम गियर के टीथ को प्रॉपरली ठोक सके। पिन को हम टीथ पर कुछ इस प्रकार लगाएंगे और इस प्रकार लगाकर हम इनको हैमर से ठोकेंगे। पिन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठोकेंगे, घड़ी के सुई के चलने की उल्टी दिशा में। घड़ी इधर से चलती है और हम उल्टी दिशा में ठोकेंगे। तो हम इस प्रॉकेट के टीथ को ठोक कर लूज कर लेते हैं। दोनों साइड से हम पैर से दबा लेंगे और उसके बाद हम ठोकेंगे। ऐसे ऐसे ठोकेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये ऊपर का जो स्प्रॉकेट है वो लूज हो चुका है, तो देखिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर का है, उसके बाद ये सेकंड है, ये फिफ्थ है, ये उसके नीचे का स्पेसर है और इसके नीचे का स्पेसर इसमें चिपका हुआ है सेकंड नंबर का, और ये लास्ट वाला जो है एक नंबर है स्प्रॉकेट। तो इसी प्रकार आप चाहे तो अगर इसके टीथ खराब हो गए होंगे तो आप उसे चेंज कर सकते हैं दूसरे किसी पुराने स्प्रॉकेट में से लगाकर। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब हम इसे खोलेंगे, ये जो अंदर का जो रिंग है या कैप बोलिए इसे, तो इसको हम जब खोलेंगे तो इसको हमें जो हमने स्प्रॉकेट को खोला जिस दिशा में घुमाया एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में, तो इस रिंग को हम क्लॉकवाइज खोलेंगे यानी घड़ी के चलने की दिशा में। इस रिंग को खोलने के लिए हमें पतले पिन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इसे क्लॉकवाइज खोलने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रोटेट हो जा रहा है, ये घूमने लग रहा है, ये ऐसे नहीं खुलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले हम उसके टूल में फंसा लेंगे कुछ इस प्रकार, अब ये नहीं घूमेगा। अब हम इसे ठोक कर लूज कर लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारे पास एक पॉइंटेड फाइल है, तो हम इस फाइल की मदद से इसे खोल लेंगे। तो हम इस रिंग को फाइल और हैमर की मदद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने खोल लिया, ये लूज हो चुका है। ये देखिए, ये रिंग बाहर आ गया। ये और आप देख सकते हैं ये गोलियां, तो ऊपर साइड की जो गोलियां हैं उन्हें सेपरेट हम किसी पेपर में निकाल लेंगे इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं हमने सभी गोलियों को बाहर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं गोलियों का हमने तीन तीन का ग्रुप बनाया हुआ है और 11 है ग्रुप, तो 11 3 33 यानी 33 गोलियां हैं। तो इसमें कुछ पतले रिंग्स दिख रहे हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार निकालेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसमें से तीन पतली पतली रिंग्स निकली हैं। तो अब हम इसे उल्टा करके ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ प्रेस करते हुए उंगली से स्पैनर को आराम से निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे, और इसको दबा के रखेंगे क्योंकि इसके अंदर गोलियाँ हैं नीचे वाली। तो ये ऊपर की साइड की गोलियाँ हमने निकाल लिया और ये नीचे का साइड है। अब हम इस पार्ट को एक दूसरे पेपर पे रख देंगे ऐसे नीचे आराम से। अब हम इसे
दोनों साइड से ऐसे होल्ड करके आराम से ऊपर उठाएंगे ऐसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नीचे की गोलियां थी वो साइड में बिखर चुकी हैं और ये हमने उठाया है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो नीचे की जो गोलियां हैं वो यहाँ बैठती हैं और जो ऊपर की जो गोलियां हैं वो यहाँ बैठती हैं, और ये टिट्स हैं फ्री विल कैचर को रोकने के लिए। अब हम इस अंदर वाले पार्ट को आराम से उठाकर साइड में रख देंगे और उसके बाद हम गोलियों को काउंट करेंगे कि नीचे साइड की गोलियां कितनी हैं। तो नीचे साइड की जो गोलियां हैं उससे भी हमने 3-3 का ग्रुप्स बनाया है और एक बची है इधर लास्ट में, ये 37 है। अंदर का जो पार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ एक कैचर है और ये तार आप देख सकते हैं, पतला सा तार गया हुआ है जो कैचर को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। पहले ये तार नहीं होता था लेकिन अभी ये तार है, अभी इस तार की वजह से ये कैचर बाहर नहीं आएगा। ये इस साइड का है और ये दूसरे साइड का कैचर है। ये तब ये बाहर निकल के गिरेगा नहीं, आप आसानी से इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है और ये कुछ इस प्रकार है। तो जो 37 यानी 37 गोलियां हैं उन्हें हम यहाँ लगाएंगे और जो 33 गोलियां हैं हम दूसरे वाले पार्ट में लगाएंगे। 33 यानी 33 गोलियां हैं वो हम इस बाहर वाले पार्ट में यहाँ लगाएंगे अंदर। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे रहता है, अंदर का पार्ट है और ये बाहर का पार्ट है। तो यहाँ 37 गोलियां और यहाँ ऊपर 33 गोलियां। सबसे पहले हम इस अंदर वाले पार्ट पे चारों तरफ से यहाँ ग्रीस लगा लेंगे ताकि गोलियां बिठाते समय गोलियां बिखरे ना। ग्रीस हम लगा लेते हैं, ग्रीस हमने लगा लिया है चारों तरफ, अब हम गोलियों को बैठा लेंगे। मेरे कई व्यूअर्स का ये सवाल होगा कि ये जो गोलियां हैं उनका साइज क्या है। इन गोलियों का साइज है 1x8 इंचेस, कुछ ऐसे मिल जाएगा आपको। अब हम इन 1/8 इंचेस साइज की गोलियों को एक एक करके बिठा लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सभी 37 गोलियों को बिठा लिया है। अब हम फ्रीविल के इस बाहर वाले हिस्से में भी ऊपर की तरफ यहाँ ग्रीज लगा लेंगे जहाँ हमें 33 गोलियाँ बैठानी है। ऊपर वाले हिस्से में भी हम कुछ इस प्रकार ग्रीज लगा लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाहर वाले हिस्से में भी हमने ऊपर की तरफ ग्रीज लगा लिया है जहाँ हमें 33 बॉल्स बिठाना है। तो दोस्तों अब हम बाहर वाले हिस्से में ये अंदर वाला हिस्सा प्रॉपरली बिठाएंगे, कैचर को अच्छी तरह से बिठा लेंगे अंदर। इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, नीचे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बैठ गया, ये देखिए ये बैठ गया और कैचर आप देख सकते हैं प्रॉपरली बैठ गया। इसको हम रोटेट करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे बैठना चाहिए। अब हम जहां हमने ग्रीस लगाया है वहां हम 33 बॉल्स बैठा लेंगे, गोलियों को हम इस प्रकार बिठा लेंगे। दोस्तों हमने टॉप साइड के 33 बॉल्स बिठा लिए हैं। अब हम ये जो रिंग्स हैं ये 3 रिंग्स हम इसके अंदर डाल देंगे, 1, 2 और ये 3। अब हम इसके रिंग से इसे टाइट कर देंगे। तो रिंग को हम उल्टा घुमाएंगे यानी कि लूज करेंगे तो ये टाइट होगा। तो दोस्तों ये टाइट हो चुका है,
फिर भी हम थोड़ा और ठोक कर इसे टाइट कर लेंगे। तो इसे हम इस फ्रीविल टूल में बिठा लेंगे और उसके बाद हम इसे टाइट कर, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज ठोकेंगे तो ये टाइट होगा। यानी नॉर्मली हम किसी चीज़ को लूज करते हैं, उस दिशा में इसे ठोकना है तब ये टाइट होगा। तो इसे हम ठोक कर टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये रिंग परफेक्टली टाइट हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम जो स्प्रॉकेट्स है उन्हें बिठा लेंगे। जैसे एक नंबर स्प्रॉकेट है तो पहले इसे बिठा लेंगे, उसके बाद हम ये स्पेसर बिठा लेंगे, और उसके बाद ये दो नंबर स्प्रॉकेट बिठा लेंगे। तो इस प्रकार हम सभी स्प्रॉकेट्स को बिठा लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सभी स्प्रॉकेट्स को बिठा लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये जो सेवेंथ स्प्रॉकेट है इससे हम इसे टाइट करेंगे। तो इस प्रकार हम इसे टाइट कर लेंगे। इस ऊपर वाले 7 नंबर स्प्रॉकेट को हाथ से टाइट करने के बाद इसे हम पिन और हैमर की मदद से और ठोक कर अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार हम इसे टाइट करेंगे, इसे घड़ी के चलने की दिशा में ठोकेंगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसकी गोलियों को चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो इसके स्प्रॉकेट्स को अगर टीथ ज़्यादा ख़राब हो गया रहे तो दूसरे स्प्रॉकेट जो पुराने वाले रहेंगे उसमें से हम चेंज करके इसे इसका सर्विसिंग कर सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं इसके मूवमेंट एकदम ओके है। इसी प्रकार आप अपने 7-स्पीड फ्रीविल की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।